क्या आप चाहते हैं कि जो गलतियां आपने 2022 में करी उनको 2023 में रिपीट नहीं करना? क्या आप 2023 को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर ईयर बनाना चाहते हैं, शानदार पैसों में, हेल्थ में, माइंडसेट में, लाइफस्टाइल में? तो दोस्तों, ये जो एपिसोड है, क्योंकि आज नया साल है, इतनी सटीक आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा 5G फॉर्मूला, और अगर आपने उसका इस्तेमाल दोस्तों कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 2023 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। और आप जानते हैं, जब मैं कोई आपसे वादा करता हूं उसके पीछे बहुत बड़ी गहरा राज छुपा होता है। दोस्तों, मैं आपको 5G फार्मूला तो बताऊंगा, फिर मैं आपको दो एक्शन स्टेप बताऊंगा कि आपको अब तुरंत क्या करना है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, हम हर साल की तरह बड़े बड़े गोल सेट करेंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगे, बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेंगे, ये छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और दोस्तों आपको भी पता है कि एक महीने के बाद में हम फिर से उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसको सुन लीजिए और सुन के उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप 2023 में वो मुकाम हासिल कर सकें जिसको आप जिंदगी में हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, फॉर टू थिंग्स, स्ट्रेट टू द पॉइंट, और जो बोलता हूं ब्लंट बोलता हूं, सीधे बोलता हूं, राइट? तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, आपका स्वागत करता हूं, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आपको मैं पहले से ही नव वर्ष की शुभकामना दे दूं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके लिए असली शुभकामना होगी, ठीक है? अगर पहली बार आए तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें, जो मैं आपको 5G फॉर्मूला दे रहा हूं इसमें से कौन सा जी है जो आपके दिल को छू गया, यकीन मानिए इट विल बी गेम चेंजर। और दोस्तों, आइए बात करते हैं 5G फार्मूला क्या है। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, या आप एक फ्रीलांसर हैं, या आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं एक 3-स्टेप MDRT फार्मूला कर रहा हूं 4 तारीख को वेडनेसडे को शाम को 8 बजे। उसमें आइए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में लगाए इंश्योरेंस बिजनेस से हर महीने कम से कम 50,000 से 1,00,000 कैसे कमा सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या पुराने काम कर रहे हो। MDRT का रास्ता बताऊंगा, 2023 में MDRT आपके नाम पक्की होनी है, क्योंकि मुझे दोस्तों 1,00,000 MDRT क्रिएट करने अगले 5 साल के अंदर। एंड आई एम फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम, and I teach people how to master making phone calls, close the business, objection handling, and how to develop self-confidence, और अपने दिमाग से डर को कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5G फॉर्मूला। दोस्तों, एक कड़वा सच पता क्या है, 2022 में जिन लोगों ने 2022 में गोल सेट किए थे, उसमें से दोस्तों 90% लोगों ने अपने गोल अचीव नहीं किए। 2022 में जो हमने प्लानिंग करी थी, उसमें 90% लोग उस प्लानिंग पर नहीं चल पाए। मैंने एक सर्वे रन किया था यूट्यूब में ही कि कितने लोग जो MDRT में अभी भी टिके हुए हैं, तो 85% लोगों ने कहा था मैं फाइट कर रहा हूं। और आपको पता होगा उस 85% में कितने लोग होंगे जिन्होंने उस गोल को अचीव किया होगा। तो आखिर क्या वजह है कि गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, फिर भी लक्ष्य अचीव नहीं हो पाता, इस वीडियो में बता रहा हूं। और फिर कैसे हम अपने 2023 के गोल को अचीव करेंगे, वो मैं आपको 5G फॉर्मूला इसमें देने वाला हूं। अब बात करते हैं 5G फॉर्मूला है क्या। G 1, आपको क्या होना चाहिए, चिड़िया की आंख। नंबर 1 इज द गोल, नॉट गोल, क्लियर गोल। क्या अंतर होता है गोल और क्लियर गोल में? गोल मतलब होता है कि मुझे घूमने आगरा जाना है, नैनीताल, शिमला, दुबई, जहां मिल जाएगा अवेलेबिलिटी, जहां मिल जाएगी मैं वहां चला जाऊंगा, ये गोल है, ये क्लियर गोल नहीं है। क्लियर गोल क्या है, मुझे दुबई जाना है, बस खत्म होगी बात। अब आपको दुबई जाना है, अब पूरी प्लानिंग किसके लिए होगी, दुबई जाने के लिए, ना कि आगरा, नैनीताल एंड शिमला। तो दोस्तों, क्लियर गोल एंड गोल में यही अंतर होता है। क्लियर गोल का मतलब होता है कि आपकी निशाना चिड़िया की आंख जो है, बस तो जीवन में पहला स्टेप, पहला जी, यू शुड हैव अ क्लियर गोल फॉर योर सेल्फ। आप पहली बार सुन चुके होंगे बट यकीन मानिए, तो G 1, हैव क्लियर गोल। डाउट गोल, हवा में गोल, ये हो जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, फिर ढोलक बजाते रहेंगे हम, बस कुछ नहीं होगा, राइट? तो पहला जी दोस्तों क्लियर गोल। दूसरा जी, अब गोल बना लिया आपने,
उसका गेम प्लान क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लोग गोल क्यों अचीव नहीं करते। गोल सेट कर लिया 2022 की शुरुआत में, हर साल गोल बड़ा बड़ा गोल सेट कर लेंगे, गोल सेट करने के बाद में कोई गेम प्लान नहीं है। अरे कैसे अचीव करेंगे भाई, क्या करेंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कुछ सोचा उसके बारे में नहीं, वो सब मुझे नहीं पता वो सब। अरे किसको पता होगा भाई, मोटिवेशन थोड़ी गोल पूरा हो जाएगा। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो लाइफ में, मोटिवेशन आपको केवल 10% चाहिए दाल में नमक के बराबर। प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि पूरी जिंदगी मेरी मोटिवेशन के दम पे चलती है। दाल में नमक आपको चाहिए मोटिवेशन, तो 10% मोटिवेशन है, 90% आप। तो आपको गेम प्लान चाहिए। गेम प्लान का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे। मान लीजिए आपको आगरा जाना है, गोल आपको आगरा जाने का है, तो कैसे जाएंगे, साइकिल से, पैदल, बाइक से, गाड़ी से, बैलगाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, कैसे जाएंगे, ये सब प्रोसेस होते हैं। तो जिसको गेम प्लान, तो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर गोल बनाया उसके बाद में गेम प्लान। हाँ, गेम प्लान दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकता है, फिर बोल रहा हूं, गेम प्लान टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन आपका क्लियर गोल नहीं बदलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग अपना गोल बदलते रहते हैं, गेम प्लान उसी गेम प्लान में तो अड़ जाएंगे, हटेंगे नहीं वहां से, चाहे काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो उसी में लगे रहेंगे, बड़ा कुछ सोचे नहीं डिफरेंट। बट दोस्तों गेम प्लान कैन चेंज एज पर द टाइम सिचुएशन, बट गोल शुड नेवर चेंज। तो समझ आया गोल, गेम प्लान क्या होता है, कैसे करेंगे, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, आपके एमडी आरटी जाना है, कैसे जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, राइट, दैट्स कॉल्ड गेम प्लान। तीसरा जी जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट्स कॉल्ड जी फॉर ग्रिट, GRIT। ग्रिट का मतलब दोस्तों होता है, ग्रिट मींस योर एबिलिटी टू स्टे इन द गेम, यानी गेम में टिके रहने की शक्ति, गेम में अड़े रहने की शक्ति। जिसके अंदर ये टिके रहने का विश्वास, साहस और शक्ति है गेम में, वही इंसान कुछ भी किसी भी एरिया में, सेक्टर में कुछ कर पाता है। यानी जब आपको कुछ करना है तो आपको उस गेम में टिकना पड़ेगा। आपको पता है अभी जो नया साल 2023 शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप नए साल में बिकती है, पहले हफ्ते में सब दबा के भर जाता है पूरा जिम, और एक महीने के बाद में 90% लोग जाते नहीं है। 90% लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस का, इंश्योरेंस का, कोई बिजनेस, वो छोड़ देते हैं एक महीने के बाद में, दो महीने के बाद में, तीन महीने के बाद में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई बिजनेस हो, छोड़ देते हैं लोग। 90% लोग हर काम को छोड़ देते हैं, क्यों, उनके अंदर जो ग्रिट है ना, ग्रिट, टिकने की शक्ति नहीं होती है। और दोस्तों इसमें टैलेंट नहीं चाहिए होता है, टैलेंट तो बाद में आता है, पहले जब बंदा टिकता है गेम में, रुकता है, सीखता है, धक्के खाता है, घिसता है, घिसता है, जब बंदा उस मार्केट की मार्केट में जाके धक्के खाता है, मिट्टी को चखता है, लोटे का पेंदा घिसता है, अपने आप को खपाता है, तब उसके अंदर वो निखार आता है, तब उसके अंदर वो टैलेंट आता है, तब उसके अंदर वो ऐश्वर्य आता है, तब उसके अंदर वो एनर्जी आती है, जिसको लोग देख के खींचे चले आते हैं और बोलते हैं यू आर कम, आप कमाल के हो, मैं आपसे इंश्योरेंस करवाऊंगा, आप कमाल के हो, मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा, आप कमाल का वीडियो बनाते हो। ये सब कैसे आता है, जब बंदा गेम में टिकता है, दैट्स कॉल्ड ग्रिट, ग्रिट, ग्रिट। लगे रहो, टिके रहो, डटे रहो, अड़े रहो, और लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, आप सीख जाओगे, आपके अंदर आत्मविश्वास डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी स्किल बढ़ जाएगी, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए गेम में टिकना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम आज के इस भागम भाग संसार में, डिजिटल वर्ल्ड में, इस कलयुग में, एक जगह टिके रहना, ये सबसे मुश्किल काम है। इस बात से अगर आप सहमत करते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जाना, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं आपको गेम प्लान देने वाला हूं। तो अब बताइएगा कि क्या वाकई मुश्किल है एक जगह टिके रहना, यस और नो। मुश्किल का मैं बता रहा हूं मैं आपको, इतना कुछ मार्केट में चल रहा है, देखो जहां मार्केट में जहां भीड़ भीड़, गाड़ियां, ट्रैफिक, लोग भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं पता नहीं है, पार्टी, बियर बार, ये बार, वहां पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वहां ये सब झामताम चल रहा है, सिर्फ एक पागलपन, 31 दिसंबर। अरे क्या हो रहा है 31 दिसंबर को यार, घर बैठे हो रहा तो शांति से मजे लो, राइट। तो गेम में टिकना पड़ेगा। चौथा जी आ जाइए, जी फॉर गुरु। बगैर सही गुरु के, मेंटोर के, कोच के, आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकते। ये कड़वा सच है,
लेकिन है, यू नीड अ मेंटर, अ कोच और गाइड और गुरु हु कैन शो यू द पाथ। मतलब क्या है, आपको एक गुरु एक मेंटर चाहिए जो आपको रास्ता दिखा सके, आपको पुश कर सके, आपको चैलेंज कर सके, आपको गेम में टिका के रख सके जब आप भागना चाहते हैं। और गुरु की दोस्तों आवश्यकता, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो जहाँ पे हम भगवान की बात करते हैं, और चाहे ये जो मैटरियलिस्टिक वर्ल्ड हो जहाँ हम पैसे प्रतिष्ठा की बात करते हैं, दोनों में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों सबसे जो इस कलयुग में जो सबसे रेयर है, जो सबसे मुश्किल है, वो है सही गुरु ढूंढना। ये बहुत मुश्किल काम है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सही गुरु अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा। एक साल के अंदर आपका सब बदल जाएगा अगर सही गुरु मेंटोर कोच मिल जाए तो। अब सही गुरु कोच मेंटोर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानोगे, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों चौथा इस गुरु बहुत पावरफुल है ये। इसके बगैर अगर आपको अहंकार है, मुझे सब पता है, मैं तो ऑलरेडी पैसे वाला हूं, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, दोस्तों क्षमा चाहूंगा, ये आपका अहंकार बोल रहा है। और अहंकार दोस्तों रावण का भी नहीं चला, दुर्योधन का भी नहीं चला, अहंकार किसी का नहीं चलता। तो मेरी और आपकी औकात, जब रावण के पास सब कुछ था वो भी खत्म हो गया, तो फिर मेरी और आपकी औकात ही क्या यार, हम लोग तो एक छोटे से कलयुग के जीव हैं, राइट। इस बात को समझो आप लोग, तो अहंकार मत जियो, फाइंड समबडी, गुरु ढूंढिए आप। और पांचवा जी, जी फॉर गॉड, GOD, गॉड। एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति है जिसने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, उसके ऊपर विश्वास रखिए। चाहे आप किस भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हैं आप, खुदा, राइट। मैं तो हिंदू धर्म से आता हूं, मुझे गर्व है उसके ऊपर, राइट, एंड आई हैव एब्सोल्यूटली बिलीफ ऑन गॉड, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन अगर आप नास्तिक हो, नहीं वो सब तो ठीक है, भगवान कहां होते हैं, भगवान कहीं, भगवान दिखते नहीं, दिखा भगवान कहां है। अगर आप उस तरह की बातें करते हो, सब कुछ साइंस है, सब कुछ विज्ञान है, वो बिग बैंग, एक गोला फटा और ये सब बन गया, अगर इसमें आपको विश्वास है तो मैं आपको विश्वास को चैलेंज करता हूं, इस विश्वास को बदल डालिए, वरना ये विश्वास आपको जिंदगी में कभी सुख दे ही नहीं सकता। अरे यार, एक गाड़ी नहीं चलती बगैर चलाए के, एक ऑटो नहीं चलता बगैर चलाए के, एक साइकिल नहीं चलती बगैर, आपको लगता है इतना बड़ा संसार, ये प्लैनेट सिस्टम, सूर्य, चांद, चंद्रमा, तारे, समंदर, ये सब चल जाएगा ऑटोमेटिक? क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे? आप बताइए, सब कुछ ऐसे फटा, सब बन गया, मतलब गाड़ी, एक विस्फोट, एक विस्फोट हुआ और गाड़ी बन गई, एक विस्फोट हुआ फोन बन गया, एक विस्फोट हुआ और ये वीडियो मैंने बनाया बन गया, एक विस्फोट हुआ आप बन गए, मैं बन गया, कुछ नहीं बनता विस्फोट से, ये सब बकवास है, राइट। तो एक हायर पावर, एक भगवान में विश्वास कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी गाड़ी, आपकी इनकम का ग्राफ, आपकी हेल्थ, आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका पर्सोना, आपका ऐश्वर्य, आपकी नॉलेज निखरना शुरू हो जाएगी। कैसे मालूम? प्रमाण आपके सामने है, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। पहले मुझे भगवान में विश्वास था, लेकिन डाउट था, अभी डाउट नहीं है, राइट। फुल फेथ ऑन गॉड। मैं कोई भक्त नहीं हूं, बात समझो आपको, मैं कोई यहां पे स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जो सिद्धांत आपको देना चाहता हूं, उस बात को गहराई पे जाइए, भगवान में विश्वास करना चाहिए। कैसे करेंगे? ढूंढो, फाइंड अ गुरु, यू विल फाइंड समबडी। तो दोस्तों ये 5 G हो गए। अब आ जाइए गेम प्लान में, आपको 2 कौन से काम अभी तत्काल करने, तत्काल में रिजर्वेशन कराते हैं ना तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तत्काल में एक्शन लीजिए अभी, ताकि लाइफ में इमरजेंसी ना आए। क्या तैयार हैं? यस। इससे पहले दोस्तों, अगर वाकई आप MDRT करना चाहते हैं, 2023 की शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं, अपने गेम प्लान को जानना चाहते हैं, और अपने आप को बस हार के, वो जो दलदल है जहां 90% लोग हार में समा गए, असफलता में, ब्लेम में, डार्कनेस में, किस्मत खराब है, मैं तो गांव में, मैं तो शहर में, मैं तो महिला हूं, मत इस जगह में जो लोग हैं उनको दोस्तों मुझे उठा के लाना है 5% में। आप आना चाहते हैं तो उस रजिस्टर कर लीजिए, लिंक में जाके देखिए सीट अवेलेबल है, तो आ जाइए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, जब आप उसमें आओगे आपको एहसास होगा ये वेबिनार नहीं है, लाइव ट्रेनिंग है। और दोस्तों उस ट्रेनिंग के दौरान लोग कहते हैं सर थैंक यू मैं यहां पे आया, राइट। अब आज ये दोस्तों गेम प्लान, 2 काम करने हैं बस। नंबर 1, अपना क्लियर गोल बना लीजिए, क्लियर लक्ष्य। 3 गोल लिखिए,
तीन गोल। अगर आपकी आज महीने की इनकम मान लीजिए 50,000 रुपये, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो भी है, तो कम से कम आपकी महीनवारी यानी महीने का कितना इनकम होना चाहिए, पहला गोल इनकम का, नंबर एक। दूसरा गोल, ये इनकम कमाने के लिए आप क्या करते हैं। अगर नौकरी करते हैं, आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये, तो अब 1,00,000 कहाँ से आएंगे। अगर मान लीजिए प्रमोशन मिला तो तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी, 10%, 20%। और अगर मान लो प्रमोशन नहीं मिला तो लुटिया डूब जाएगी, तो बिजनेस क्या करेंगे, वो 50,000 एक्स्ट्रा कहां से आएगा। अगर आप फुल टाइम अपना काम करते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में है, कोई भी काम करते हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, तो अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो 1,00,000 कैसे होगी, क्या करोगे उसके लिए, राइट। तो गेम प्लान यानी गोल पैसे का, दूसरा जो आप लिख रहे हो वो किस बिजनेस से पूरा होगा, और नंबर तीन गोल, आप ऐसी कौन सी स्किल, देखिए मैं एक बात के लिए जाना जाता हूं, मैं स्किल डेवलप कराता हूं, क्योंकि संसार में इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा कमाना एक ही बंदे को आता है जिसके अंदर कुछ गुण, स्किल, क्वालिटी और कला होती है। एक फिल्म स्टार कलाकार नाच गाना करके बहुत पैसा कमाता है, क्रिकेटर बल्ला भांजता है पैसा कमाता है, बॉलर बॉल फेंकता है पैसा कमाता है, राजनेता समाज की सेवा करता है, भाषण देता है पैसा कमाता है, बिजनेसमैन फैक्ट्री चलाता है। आप बताओ आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए, अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हो, प्रॉपर्टी में हो, कुछ भी करोगे, कौन सी स्किल डेवलप करोगे इस साल, वो स्किल जो आपको पैसा कमवा सकती है। यहां मजाक नहीं हो रहा, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा आपको। कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए, उसके लिए करने के लिए तैयार हो, लिख लीजिए उस स्किल को, राइट। बस ये तीन काम कीजिए और उसके बाद में काम पे लग जाइए। इसको करने के बाद पैसे का गोल कहां से पूरे होंगे और कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये कर लीजिए। और दूसरा, अपना मेंटोर या गुरु या गाइड या कोच का चुनाव कर लीजिए। अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आपका मेंटोर या कोच बन सकता हूं, तो मेरे MD आर्टिस्टिम में आइए। अगर हाँ आप ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए मैं आपको स्वागत करता हूं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मुझे जज करना पड़ेगा, मुझे महसूस करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको समय बिताना पड़ेगा, मेरे कोर्स में मेरा जो सिस्टम है उसको आके देखना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या कराता हूँ, राइट। क्या मैं फर्जी बातें करता हूँ, सिर्फ मोटिवेशनल ज्ञान, ये कर दो वो कर दो, ये मैं कुछ सिखा भी रहा हूँ, वो आपको चयन करना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए मेरे सिस्टम को, आइए उस MDRT 3 स्टेप में जहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको मेरे साथ चलना है या नहीं चलना। आप मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े, उसके लिए तहे दिल से आपको स्वागत करता हूं। 2023 आपके लिए मंगलमय होगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, हालातों से ऊपर उठना पड़ेगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। अदरवाइज हर साल की तरह ये साल भी निकल जाएगा, और दोस्तों हम हर साल कैलेंडर बदल लेते, हमारा जीवन कब बदलेगा, जीवन बदलेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको स्ट्रांग निर्णय, स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों, और दूसरा कोई जरिया नहीं है। किस्मत जब बदलेगी, जब आप बदलने का निर्णय लेंगे। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच, और पूरी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपको सद्बुद्धि दे, स्वास्थ्य दे, पैसा दे, और सबसे बड़ी बात आपको स्किल दे, वो गुण दे, जिससे आप अपने सारे सपनों को पूरे कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, आप यूट्यूब में जुड़े हैं, आप लोगों के सहयोग और प्यार से दोस्तों 2022 में मेरा जो गोल था 10,000 सब्सक्राइबर का, वो पूरा हुआ, आपकी बदौलत हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे दोस्तों लाइव MDRT सेशन में, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अपने परिवार का समय जरूर बताइए, नया साल है, अपने गोल लिखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, 10 जगह भागने से, पार्टी में जाने से, ये सब बनने से कुछ नहीं होगा। एक बार सफल बन जाइए, दुनिया आपके पीछे भागेगी। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।